हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय राजस्थान डिफेंस एकेडमी चूरू। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था नाउन का। नाउन की हमने डेफिनेशन पढ़ी। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। फिर हमने पढ़े नाउन के काइंड्स। काइंड्स के अंदर हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड हमने पढ़ा कॉमन। थर्ड हमने पढ़ा अब्स्ट्रैक्ट। ये थ्री काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़े थे। प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है किसी का। पर्टिकुलर नेम के लिए जैसे राम, ये राम का पर्टिकुलर नेम है, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन में हमने पढ़ा कि ये क्लास ऑफ पर्सन्स थिंग्स होती है, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे बॉय, ये क्लास हो गई, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा कि उसको हम केवल फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट सी और टच, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी को हम केवल महसूस कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। ये थ्री नाउन्स हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी। नेक्स्ट में जो अपनी नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है तो इसके अंदर कलेक्शन ऑफ पर्संस होगा, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होंगी, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स होगा, एक वर्ड होगा जिसके अंदर कलेक्शन होगा। डेफिनेशन देखिए, ए कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्संस एंड एनिमल्स। एक ग्रुप की जो थिंग्स का ग्रुप है उसके लिए जो वर्ड आता है, या पर्संस का जो ग्रुप है उसके लिए जो वर्ड आता है, या एनिमल्स का जो ग्रुप है पूरा उसके लिए जो वर्ड आता है, वो नाउन कैसी होती है, अपनी कलेक्टिव नाउन होती है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे फैमिली, अब फैमिली में क्या होते हैं, अपने मेम्बर्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो इसमें ग्रुप ऑफ पर्संस है। इसी प्रकार टीम, इसके अंदर देखिए ग्रुप ऑफ प्लेयर होगा, एक प्लेयर है तो उसको हम टीम नहीं कह सकते, उसमें प्लेयर होंगे, ग्रुप ऑफ प्लेयर होगा तो टीम होगी। इसी प्रकार केटल है, केटल के अंदर भी एनिमल्स का ग्रुप होगा। इसी प्रकार से अपना पैलेस है, इसके अंदर भी देखिए एक यदि सिंगल है तो वो पुलिस मैन होगा, लेकिन दो चार साथ में हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ पुलिस मैन है तो पुलिस है। आर्मी है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होगा तो आर्मी होगी। इसी प्रकार ग्रुप ऑफ सिंगर होगा तो ट्रूफ होगा। स्टाफ है, हार्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका ग्रुप होता है, उसको कहते हैं हार्ड। तो ये जो सभी वर्ड हैं इनके अंदर कलेक्शन है, इसके अंदर ग्रुप है, तो ग्रुप को जो बताती है नाउन वो कौन सी नाउन है, अपनी कलेक्टिव नाउन। नाउन है, नाउन में इस कैसा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखिए अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देखिए, मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेज, धातुओं का नाम होता है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता है, जिनसे वस्तुएं बनती हैं वो क्या होती हैं, मटेरियल नाउन होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें वुड, गोल्ड, प्लास्टिक, सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे क्या मेटल हैं, तो ये कैसी नाउन है, मटेरियल नाउन है, जिनसे दूसरे थिंग्स का निर्माण होता हो वो कैसी नाउन आ जाती है, मटेरियल नाउन। तो ये अपनी फाइव काइंड्स ऑफ नाउन हुए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर लेंगे, पर्टिकुलर नेम होगा, ये क्लास के लिए आएगा, होल क्लास ऑफ पर्सन थिंग्स जो भी होगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है, इसको केवल फील किया जा सकता है, इसके अंदर कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन होगा, और मटेरियल नाउन में सब्सटेंसेज होंगे, ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो ये हुए अपने फाइव काइंड्स ऑफ ए नाउन। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज डालते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं और आप उसे करके देखेंगे। देखें नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज देखिए अपनी, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा अपना, जैसे पिक आउट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर काइंड्स। इन जो सेंटेंसेज हैं, फाइव जो सेंटेंस हैं
उनके अंदर आपको नाउन को पिक आउट करना है और उसके काइंड्स का नेम लिखना है कि ये कौन सी नाउन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो कि यू शुड एड ए लिटिल साल्ट इन दी सूप, इसके अंदर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है और उसका काइंड लिखना है। तो हम यहाँ से देखेंगे यू शुड एड ए लिटिल साल्ट, यहाँ पर जो नाउन आई वो क्या है, साल्ट है, और इस साल्ट का क्या करना है, हमें काइंड लिखना है कि ये नाउन कैसी है। तो साल्ट कैसी नाउन है, कॉमन नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन है, कैसी नाउन है, मटेरियल नाउन है ये साल्ट। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जो फाइव जो सेंटेंसेज हैं उनके अंदर नाउन को पिक आउट करना और उसका काइंड लिखना है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ ए डॉग्स, आवर टीम प्लेड रियली वेल, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ए मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन नेवर एंड्स। ये जो फाइव सेंटेंसेज हैं इनमें नाउन को पिक आउट करना और उसके काइंड्स लिखने। जो सेकंड अपना एक्सरसाइज है सेकंड, उसके अंदर क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसके अंदर जो सेंटेंस हमें दिया हुआ उसमें नाउन को केवल आपको क्या करना, अंडरलाइन करना है। इसके लिए एग्जांपल देखिए आप, जैसे राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक, इस सेंटेंस के अंदर राम रीड्स ए बुक, तो इसके अंदर हमें केवल नाउन को अंडरलाइन करना है, तो राम को अंडरलाइन कर देंगे और बुक को अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, नाउन है। तो इसके अंदर अपना फर्स्ट सेंटेंस है द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, इसके अंदर अंडरलाइन करना है नाउन को, जितनी भी नाउन है सेंटेंस के अंदर उसमें हमें क्या करना, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए अपना, सीता वॉज कुकिंग फूड, सेंटेंस में सीता वॉज कुकिंग फूड, इस सेंटेंस में जितनी भी जो नाउन है उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट द बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, सेंटेंस में नाउन देखनी है, नाउन को अंडरलाइन करना है। द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश, सेंटेंस में केवल नाउन पिक आउट करनी है, वो सॉरी नाउन देखनी है, उनको अंडरलाइन करना है। मोहन इज गोइंग टू जयपुर विद हिज फ्रेंड्स, इसके अंदर नाउन देखनी है, उनको अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल जैसे वो फर्स्ट में आपको दिखाई नहीं दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राम रीड्स ए बुक, इसमें हमें काइंड्स नहीं बताना, काइंड्स है वो फर्स्ट एक्सरसाइज में बताना आपको, इसमें केवल नाउन। तो देखिए ये पर्सन का नेम है, नेम ऑफ पर्सन क्या होती है, नाउन होती है, तो ये नाउन है, अंडरलाइन कर दिया। रीड्स वर्ब है, बुक है, बुक क्या थिंग है, तो थिंग भी क्या होती है, नाउन होती है, तो ये क्या हो गई अपनी, नाउन हो गई। ऐसे नाउन जो है उनको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये दो एक्सरसाइज हुई, थैंक्स। कल फिर जो नया वीडियो स्टार्ट होगा उससे पहले मैं इनके आपको आंसर बता दूंगा, और आंसर आप मैच कर लेना।